दोस्तों, आप सभी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई सारी हिंदी फिल्मों में कई एक से बढ़कर एक नन्हे बाल किरदारों को देखा होगा, जिसे निभाने वाले नन्हे नन्हे बाल कलाकारों ने बखूबी पर्दे पर उतारा था और अपनी शरारती मासूमियत और चुलबुले अंदाज से दर्शकों को खूब एंटरटेन कराया था, जिसके चलते लोग उन्हें घर घर देखना पसंद कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन्हीं बाल कलाकारों में से कौन सा बाल कलाकार रहा सबसे अच्छा, किसे किया दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद? इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको फिल्म इंडस्ट्री के पांच बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट से रूबरू कराकर अंत में उसी चाइल्ड आर्टिस्ट से रूबरू कराएंगे जो सबसे ज्यादा अच्छा रहा। तो चलिए देर किस बात की, आइए एक एक कर मिलते हैं उन चाइल्ड आर्टिस्ट से। नंबर 5, जिब्रान खान। इस लिस्ट की पांचवी कड़ी में नाम आता है बॉलीवुड के क्यूट चाइल्ड आर्टिस्ट जिब्रान खान का, जिन्होंने कभी खुशी कभी गम, रिश्ते, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और बड़े दिलवाला जैसी हिट फिल्मों में बाल कलाकार की मुख्य भूमिका अदा की थी। आपको बता दें, इन्होंने अपने हर एक नन्हे किरदार को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया था कि लोग इनकी समझदारी और क्यूटनेस से काफी इम्प्रेस होने लगे थे, जिसके चलते हर कोई इन्हें देखना पसंद कर रहा था। नंबर 4, हुसैन खोदाजी। बात करते हैं बॉलीवुड की जानी मानी खूबसूरत एक्ट्रेस हुसैन खोदाजी के बारे में, जिन्होंने साल 1988 में आई हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर टीना की मुख्य भूमिका निभाई थी, जिन पर सबकी जान बसती थी। जो एक मासूम सी प्यारी सी बच्ची थी और उन्होंने वो छोटी सी टीना बनकर दर्शकों को अपना दीवाना बनाया था और खूब तारीफें बटोरी थी। जो एक अच्छी चाइल्ड आर्टिस्ट थी, पर सबसे ज्यादा अच्छी नहीं थी। नंबर 3, बेबी गुड्डू। लिस्ट की तीसरी कड़ी में अब नाम आता है परिवार, घर घर की कहानी, घर परिवार और समुद्र जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई अभिनेत्री बेबी गुड्डू का, जो इन फिल्मों में एक प्यारी सी मासूम सी बच्ची तो थी ही, साथ ही साथ एक चालाक किस्म की चाइल्ड आर्टिस्ट थी, जिनकी चालाकी से दर्शक इतना इम्प्रेस हुए थे कि वो सभी इन्हें एक चालाक लड़की के रूप में देखते थे, जो एक इंटेलिजेंट चाइल्ड आर्टिस्ट थी और अच्छी भी थी। नंबर 2, आदित्य कपाड़िया। बात करें फिल्म जानवर में नजर आए क्यूट कलाकार आदित्य कपाड़िया के बारे में, जिन्होंने इस फिल्म में अक्षय कुमार के बेटे राजू के किरदार को निभाया था, जो एक भोला भाला सीधा साधा सा बच्चा था जिसने अपनी मासूमियत भरी मुस्कान से सभी के दिलों को छुआ था, जो एक अच्छा बाल कलाकार था पर ज्यादा अच्छा नहीं था। नंबर 1, जय गिदवानी। यहाँ जय गिदवानी ही है बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे अच्छे बाल कलाकार। साल 2002 में आई फिल्म शक्ति द पावर में नजर आए बतौर चाइल्ड एक्टर के तौर पर जय गिदवानी इस फिल्म में करिश्मा कपूर का एक लौते छोटे बच्चे बने थे, जिसने इस फिल्म में अपनी मासूमियत और चुलबुले अंदाज से दर्शकों का खून मनोरंजन करवाया था, जो अपने माँ के दिल के बहुत करीब था, जो सबसे अच्छा बाल कलाकार रहा था। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के इन पांच बाल कलाकारों में से कौन सा बाल कलाकार सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को रोज जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।